जय हिंद एनडीए स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? एनडीए का पेपर आज आपका हो चुका है, मेरे पास मैथ का सी सेट है, तो इसे आइए मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। मेरा नाम है मोहित कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी हब पर। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं हम, ठीक है? तो मैं आपको, मेरे पास सी सेट है, इसका मैं क्वेश्चन आपको पढ़ दूंगा, पूरा पूरा नहीं, थोड़ा क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दूंगा ताकि आपको अंदाजा लग जाए क्वेश्चन क्या था। आप लोगों ने देखा भी होगा, आपको क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा इक्वल टू माइनस का 5.12 तो साइन थीटा का मान क्या हो सकता है, ठीक है? तो आपसे वो वैल्यू दी आपको टेन थीटा इक्वल टू माइनस का 5.12, ठीक है? आप किसी मीडियम के, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पर और क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपको पता है टेन थीटा कैसा दे रखा है, निगेटिव। तो आप जानते हैं टेन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, कौन कौन से चतुर्थांश में निगेटिव होता है, एक सेकंड चतुर्थांश में निगेटिव होता है और एक फोर्थ चतुर्थांश में निगेटिव होता है। फिर इन्हें आपसे पूछी साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है? ये टेन तो दे दिया इन्हें माइनस का, यानी इसका मतलब टेन की वैल्यू होगी या तो इस वाले में होगी या तो इस वाले में होगी, इन दो में से किसी एक में होगी। अब आपको साइन दे दिया, अब आप जानते हैं साइन सेकंड में कैसा रहता है, पॉजिटिव, और फोर्थ में कैसा रहता है, निगेटिव। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर साइन थीटा की कितनी वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी और एक निगेटिव आएगी। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि टेन थीटा में इसका परपेंडिकुलर निगेटिव होगा या बेस निगेटिव होगा, कुछ नहीं कह सकते हम यहाँ पर इसे देख के, या परपेंडिकुलर निगेटिव होगा बेस निगेटिव होगा, कुछ नहीं बोल सकते ना यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, एक बार दोनों को पॉजिटिव मान के निकाल लूंगा और एक बार निगेटिव मान के निकाल लूंगा, तो आपको दो वैल्यू मिल जाएंगी यहाँ से, ठीक है? तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेंगे, कितनी मिलेगी आपको, 13 मिल जाएगी, ठीक है? तो एक बार आपका 5 प्लस का ले लेना, एक बार आप 5 माइनस का ले लेना, किसी को भी तरीके से ले लेना। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है आपका, 5 ले लिया आप हमने माइनस का, तो माइनस का 5.30, जब आप नेगेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.30। दो वैल्यू आनी है क्योंकि हमको पता है यहाँ पर पॉजिटिव देगा, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू देगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे कह रहा है, कह रहा है कॉस की पावर 4 7π/8 प्लस कॉस की पावर 4। और मैंने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति से लगभग 15 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में बोला भी था इसे अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और ऐसा इस बार भी हुआ है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ना, कुछ क्वेश्चन आ गए लगभग 50 प्लस के आसपास क्वेश्चन है इसमें ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है? तो आइए सॉल्व करते हैं इसे 5π/8, ठीक है? तो आप इसे क्या करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे सबसे पहले तो, ठीक है? उसके बाद क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू रखकर आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, सभी क्वेश्चन कराऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला 3/4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपको, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। बोल रहे हैं आपसे साइन स्क्वायर 5/4 प्लस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर 5/4 माइनस थीटा। अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का क्या होता है, लिख देता हूँ एक बार आप लोग के लिए, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है? अब आप यहाँ से देख कर लगा सकते हैं, पहला पार्ट ए है, सेकंड पार्ट क्या है, बी है। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे इंटू एक बार दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलो करते हैं, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखो 5/4 से 5/4 कितना हो जाएगा, साइन 5/2, ठीक है? और थीटा से थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का। जब सेकंड टाइम में जब आप इसे घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखिए ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का, तो 5/4 से 5/4 कैंसिल, और थीटा और प्लस का थीटा मिलकर कितना हो जाएगा, 2 थीटा। और साइन 5/2 की वैल्यू आप लोग जानते हैं कितनी होती है, कितनी होती है, 1, और इधर कितना बचा आपका साइन 2 थीटा। यहाँ पर आ गया आपका साइन 2 थीटा। ऐसा ऑप्शन आप देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऐसा ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, एक ऊर्ध्वाधर टावर क्षैतिज, एक क्षैतिज समतल पर खड़ा है, इससे खड़ा है और इसके ऊपर h लंबाई का एक झंडा लगा, यानी एक टावर मान लीजिए, कुछ इस तरीके का टावर था रहा होगा, इसके ऊपर एक h ऊंचाई का क्या रखा है, झंडा लगा है। ये फिगर बना रहा हूँ मैं आपका, एक समतल से ध्वजदंड खड़ा है, समतल के किसी बिंदु पर ध्वजदंड के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं आपके, थीटा और 2 थीटा, यानी यहाँ से जो एंगल बनना है, एक थीटा बनेगा और सेकंड वाला 2 थीटा बनेगा। यहाँ पर कॉमन सेंस लगा सकते हैं, छोटा वाला थीटा होगा, बड़ा वाला 2 थीटा होगा। तो आपसे टावर की ऊंचाई पूछी, ये टावर मान लेना टावर की ऊंचाई कितनी थी, 2 थी, ठीक है? और यहाँ पर इसे मान लेना कुछ रहा होगा एक से, तो इसे आप क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के नियम लगाएंगे, आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आपका आंसर, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका h cos 2 थीटा सॉल्व करने के बाद, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, इसे थोड़ा समझना है तो इसे मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, आप लोग कर सकते हैं। जहाँ थोड़ा समझने वाली बात आएगी वहाँ मैं आपको समझाऊंगा भी, बिल्कुल क्लियर करूंगा। और इस बार के पेपर में कुछ ऐसा ही रहा है, पिछले पेपर से कुछ भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, उनका क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। अगर आपने पिछले पेपर लगाया होगा तो आपको बहुत फायदा रहा होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम कह रहा है जब सूरज उन्नयन कोण 60 था, 60 में परिवर्तित होकर थीटा पर पहुंच जाता है, मान लीजिए किसी टाइम सूरज
यहाँ पर ये सन रहा होगा, ठीक है। इस स्थिति में इसका एंगल कितना था, 60 था। अब कब पहुँच जाता है, तो टावर की छाया एक्स मीटर लंबी हो जाती है, जब जो इसका उन्नयन कोण था अभी 60 था, कुछ देर बाद कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा यहाँ से। तो जो इसकी छाया होगी वो कितनी परिवर्तित हो जाएगी, किसकी छाया है, टावर की। तो मान लो यहाँ से टावर की ऊंचाई ये है, कुछ पहले 60 पर था, फिर छाया जब एंगल थीटा हुआ तो छाया कितनी में वृद्धि हो गई, एक्स मीटर बढ़ जाती है, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई आपको दे रखी है अंडर रूट 3x। तो आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो आपसे थीटा के लिए पूछा कौन सा सही है, तो इसे हम मान लेंगे भाई, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें लगाएंगे tan 60 इक्वल टू अंडर रूट 3x अपॉन बाई, और tan 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 इक्वल टू अंडर रूट 3x अपॉन बाई। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल, बाई इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। आपको एक समीकरण मिल गया जो बाई की वैल्यू वही कितनी है, x। आगे बात करते हैं tan थीटा की, tan थीटा लगाएंगे तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अंडर रूट 3x अपॉन बेस कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स। देखो इतना x और इतना x, उनके कितना हो जाएगा 2x। अब यहाँ से देखो tan थीटा बराबर अंडर रूट 3x अपॉन 2x, ठीक है। अब tan थीटा बराबर अंडर रूट 3 अपॉन 2 आया। अब आपको पता है 3 अपॉन 2 tan में तो किसी की वैल्यू होती नहीं, परपेंडिक यानी एक में पूरी पूरी वैल्यू मिल जाए, जैसे आप जानते हैं tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3, tan 45 की वैल्यू 1, तो इस तरीके से होती है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो आप जब यहाँ पर मैं लिखता हूँ थीटा, जब tan की बात हो रही है यहाँ पर, जब थीटा 0 होता है तो tan की वैल्यू कितनी आती है, 0। जब थीटा 30 होता है tan की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। जब थीटा 45 होता है तो tan की वैल्यू आती है 1, और जब थीटा 60 होता है तो tan की वैल्यू आती है अंडर रूट 3। अभी इतनी ही बात करते हैं, इतने में हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास थीटा कितना आया, अंडर रूट 3 अपॉन 2, तो ये किसके बीच में है। देखो अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73 ले लो लगभग 2, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 0.8 समथिंग जो भी आएगा। यानी ये क्या है आपसे, 1 से कैसा है, छोटा, ठीक है। लेकिन 1 अपॉन अंडर रूट 3 से तो बड़ा है ना, 1 से छोटा है, 1 अपॉन अंडर रूट 3 से बड़ा है, तो थीटा किसके बीच में रहा होगा, इसके बीच में रहा होगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं जो थीटा होगा आपका बड़ा रहा होगा 30 डिग्री से, और छोटा रहा होगा 45 डिग्री से। तो ऐसा जो भी ऑप्शन मिले वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसे रफ कर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, कह रहा है tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन आपको साथ ही साथ पढ़ते भी जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है सेट सी में। और जल्दी मैं आपको बता दूं कि कल शाम तक हो सकता है आपको सभी सेट की आंसर की आपको हमारी वेबसाइट इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं से भी मिल सकती है, ठीक है। हम सभी जगह अपलोड कर देंगे, आप जाकर चेक कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, tan इनवर्स एक्स अपॉन 3 इक्वल टू पाई बाई 4। और भी कई सारी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको आंसर की अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो कि आपने आंसर यही मारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। हमारे यहाँ एनडी की फ्री क्लासेस चलती हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करना आप लोगों, तो आप जानते हैं tan inverse b का फॉर्मूला कर सकते हैं आराम से, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था ये। क्या होता है 1/2 प्लस एक्स अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स अपॉन 3 इक्वल टू पाई बाई 4। अब देखो इनवर्स से उधर जाएगा 10 हो जाएगा, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी। यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 3 प्लस 2x। ऐसे हम नीचे एलसीएम लेंगे तो 6 माइनस एक्स अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, आपका बचा 3 प्लस 2x अपॉन 6 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो 6 को उधर भेज देंगे, 6 माइनस एक्स को 3 प्लस 2x बराबर 6 माइनस 2x, सॉरी 6 माइनस एक्स। तो x को उधर ले आइए और 3 को उधर भेज दीजिए, उधर हो जाएगा 3x इक्वल टू 3, x इक्वल टू आ गया आपका 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको बोल रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू बतानी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ से आप इसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेना, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। और इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं बड़े आराम से कितनी होती है, पाई बाई 2। तो यहाँ से आपको मिलेगा 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल टू पाई, ठीक है। अब ये पाई बाई 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। माइनस करने के बाद यही बचेगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा साइन पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कितनी होती है, 1/√2 होती है। ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिर्फ करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, यदि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ये दे रखा है आपको। तो आपसे कह रहा है जहाँ टेन अल्फा इंटू टेन बीटा नॉट इक्वल टू वन, तो निम्नलिखित का मान, निम्नलिखित में से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू है, तो आपसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछिए, क्या दिक्कत है इसको? देखिए इसको आप इसे क्या करेंगे, साइड में अपॉन में ले आएंगे, ये यहाँ पर इंटू नहीं प्लस है, ठीक है, इसे अपॉन में ले आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन वन माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बचेगा यहाँ पर। और ये जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का, नहीं अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पर, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वन, तो टेन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स वन, और टेन इनवर्स वन की आप वैल्यू जानते हैं कितनी होती है, पाई बाई फोर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई फोर। ऑप्शन नंबर मैच करा लीजिए, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वन प्लस टेन, ये क्वेश्चन नंबर नाइन है सेट सी का, वन प्लस टेन थीटा, वन प्लस टेन नाइन थीटा इक्वल टू है आपका टू दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आपसे पूछा गया है टेन टेन थीटा की वैल्यू, टेन टेन थीटा की वैल्यू, यानी ये टेन टेन थीटा, ये पूछा आपको क्या होगी इसकी वैल्यू, तो कुछ नहीं पहले से ही को आप सॉल्व कर लेते तो आपको रास्ता अपने आप नजर आ जाता, मल्टीप्लाई कराइए ऊपर कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा और प्लस टेन थीटा इंटू टेन नाइन थीटा इक्वल टू टू, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको तो एक पास रखना है, इसे वन को और टेन थीटा इंटू टेन नाइन थीटा को साइड ले जाना उठाकर, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था सेम इसी की तरह बना लेना, देखो दो को दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं बिल्कुल, थोड़ा सा लिंक कराना था आपको, टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन नाइन थीटा, ये बन जाएगा इधर माइनस का हो जाएगा, अब क्या बचेगा, प्लस का वन बचेगा, टू में से बन जाती है, इसको आप फिर से अपॉन में ले आएंगे, तो टेन थीटा प्लस टेन नाइन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन नाइन थीटा इक्वल टू कितना बचा, वन। और आप ये फिर से फॉर्मूला बन गया आपका, टेन ए प्लस बी का, यानी टेन थीटा प्लस नाइन थीटा इक्वल टू वन, यानी कि टेन टेन थीटा बराबर कितना आ गया, वन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो समझ में आ रहा होगा मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग किस्म का था और मैं शायद ही बहुत ही कम बच्चों ने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा, देखते हैं क्या क्वेश्चन है, आप लोग देख के समझ भी गए होंगे, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अलग किस्म का क्वेश्चन था, ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लेवल आ गया था इस क्वेश्चन में, ज़्यादातर बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। साइन जीरो डिग्री प्लस साइन टेन डिग्री प्लस साइन ट्वेंटी डिग्री प्लस डैश 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 साइन 360 डिग्री, ये क्वेश्चन था, आपसे वैल्यू पूछी थी इस क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू बतानी क्या है। और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है, क्या कंडीशन बनी यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से, मैं आपको कंपेयर एक फॉर्मूला बता भी दे रहा हूँ, और मैंने वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर इस फॉर्मूले को पढ़ाया भी था, ठीक है, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो ठीक है, आप पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं मेरे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर जो पढ़े हुए हैं उनमें मैंने इस फॉर्मूले को कराया भी है, टेन अल्फा प्लस टेन अल्फा प्लस बीटा प्लस टेन सॉरी टेन इज साइन साइन अल्फा प्लस टू बीटा डैश 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 एन टर्म तक, ठीक है, एन पदों तक या एन टर्म तक लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको दे रखा हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है, सम जो आता है वो सम आता है इसका, साइन अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा अपॉन टू इंटू साइन एन बीटा अपॉन टू अपॉन साइन बीटा अपॉन टू, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब आपको टर्म गिननी है इसमें, पहले तो टर्म पता होनी चाहिए, अब इनकी सभी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, देखिए साइन अल्फा तो पहला टर्म आपको अल्फा देगा यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर जीरो, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ से कितना मिला आपको, जीरो, ठीक है। अगला बीटा की बात करते हैं, तो अल्फा जीरो था तो बीटा कितना है, टेन, साफ देख रहा है, अल्फा जीरो बीटा टू इंटू टेन कितना हो जाएगा, ट्वेंटी, तो बीटा कितना हो गया आपका, ट्वेंटी हो गया, ठीक है। अगला बचा आपका एन, अब एन क्या करेंगे, हाँ देखो हाँ दस है बीस है, डायरेक्ट लिख देंगे एन कितना है, पहले एक से मल्टीप्लाई और फिर दो से फिर तीन से फिर चार से, कितना लिख दोगे आप डायरेक्ट, छत्तीस लिख दोगे, वहीं आपका एक बार और गलत हो जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको पता है फॉर्मूला तब भी गलत हो जाएगा। देखो एक यहाँ पर, उससे पहले जीरो भी तो है, इसे भी तो काउंट करोगे, तो जीरो ये होगा, वन टू थ्री, तो 36 नंबर आएगा आपका, कौन सा होगा, एन इक्वल टू 37, अगर आप यहाँ से यहाँ तक के काउंट करते हैं 36, और जब जीरो को ऐड करेंगे उसमें तो कितना हो जाएगा 37, यानी एन इक्वल टू आपका हो गया 37, ठीक है। अब आपको इसे फॉर्मूला पुट कर देना, रख दो साइन अल्फा कितना है, जीरो प्लस
एन यानी कि 37 माइनस 1 इंटू बीटा कितना है आपका 10 अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट बंद कर लो साइन एन का मान 37 इंटू 10 अपॉन 2 अपॉन साइन 10 अपॉन 2 सॉल्व करेंगे इसे तो साइन अब देखो ये कितना जीरो हो गया यहाँ पर 37 में से बन गया कितना 36 और 36 का हाफ करेंगे कितना बचेगा 180 और 18 की गुणा जब 10 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री ये बचेगा यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा ये यहाँ पर जो भी बचे हम आपको मान लो कुछ भी बचेगा अपॉन में भी इसके कुछ भी बचेगा आप जानते हैं साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है जीरो जीरो से ऊपर नीचे वाले सब जीरो हो जाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो भी लिखा होगा सब जीरो तो आंसर इसका कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा ये बात तो आप समझ गए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 का आपका ऑप्शन नंबर केवल ए वाला करेक्ट होगा इसमें और कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा ठीक है आगे देखते हैं आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की मैट्रिक्स के क्वेश्चन पर चलते हैं डायरेक्ट ठीक है शुरू करते हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुके हैं और देखिए इस क्वेश्चन करने की मैंने आपको ट्रिक भी बताई कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए आपको फंसाए तो आपको क्या करना होता है वहाँ पर देखो डेल्टा 1 बराबर आप लोगों को दे रखा था 111 पी क्यू क्यू आर आर पी बराबर ये क्वेश्चन नंबर 16 है सेट आपका सी है ध्यान रखें बात साथ साथ बोल भी दे रहा हूँ सेट सी है कन्फ्यूज ना हो बोले हमारे में अलग है तो आपके में क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं क्यू आर पी क्यू देखो इस क्वेश्चन करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी क्या बताई थी जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको हम यहाँ पर ऑप्शन आपको तजीब गरीब दे रखे हैं पहला कह रहा है जीरो हमेशा धनात्मक यानी ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा ऋणात्मक ऑलवेज नेगेटिव और उसके बाद कह रहा है पॉजिटिव इफ पी क्यू आर पॉजिटिव एल्स नेगेटिव तो ऐसे आप कुछ बता नहीं सकते इसमें सॉल्व करेंगे काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया इसमें पी क्यू आर की कुछ वैल्यू कंसीडर कर लो ठीक है इसमें मैंने माना पी बराबर 2 क्यू बराबर 3 और आर बराबर मान लिया मैंने 4 ठीक है अलग अलग मानना अब जेन करना कि पी बराबर 1 क्यू बराबर 1 और आर बराबर यू 1 तो सब जीरो हो जाएगा ऐसी अलग अलग वैल्यू मान के उठा के पुट करो डेल्टा 1 प्लस आपसे पूछा है डेल्टा 2 तो साथ में लिखते ही चलो 111 पी की वैल्यू कितनी मानी आपने 2 क्यू की मानी 3 आर की मानी 4 क्यू कितना है 3 आर कितना है 4 और पी कितना है 2 ठीक है प्लस आगे देखो 111 क्यू कितना है 3 आर कितना है 4 पी कितना है 2 आर कितना है 4 पी कितना है 2 क्यू कितना है 3 ऐड करो जल्दी से 2 3 4 4 7 6 5 6 और 5 ठीक है इसे सॉल्व करोगे अब आप सॉल्व करो 2 वैसा ही 7 5 35 6 6 36 35 में 36 कितना बचा माइनस का 1 अगला माइनस का 3 सॉल्व करोगे इसे भी 4 5 20 6 5 30 कितना बचेगा माइनस का 10 अगला 4 अब देखो छोड़ दोगे इसे तो कितना बचेगा 6 6 4 24 और 7 5 35 24 में से 35 कितना बचा आपका माइनस का 11 ये बचेगा ठीक है देख लेना एक बार कुछ गलत तो नहीं हुआ 4 और 1 कितना होता है 5 6 3 और 1 कितना होता है 4 और 3 4 कितना होता है 7 वैल्यू सबकी सही लगी देखो पी बराबर क्यू बराबर है आपका 3 आर बराबर 4 पी बराबर 2 आर बराबर 4 पी बराबर 2 क्यू बराबर 3 सब सही है ठीक है सॉल्व करोगे जब इसे तो कितना मिलेगा माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस का 30 ये कितना हो जाएगा माइनस का 44 सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा माइनस का 60 कितना आया माइनस का 60 अब देखो क्या बोला पी क्यू आर तो मैं सब पॉजिटिव लिए वैल्यू क्या है नेगेटिव पी क्यू आर जब तुम सब नेगेटिव ले लेते हैं तब पी क्यू आर सब नेगेटिव ले लेते ए भी नेगेटिव 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 दोनों से इससे भी माइनस कॉमन आता इससे माइनस कॉमन आता प्लस का हो जाता हर हाल में तो यानी अब तुम इसमें पी क्यू आर की वैल्यू चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो नेगेटिव में भी क्या करोगे माइनस का 2 3 4 लोगे अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोग प्लस हो जाएगा यहाँ से माइनस कॉमन लोग इस वाली रो से माइनस कॉमन लोग प्लस हो जाएगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा चाहे तुम प्लस का लो चाहे माइनस का लो वैल्यू में से कैसे आ रही नेगेटिव तो ऑप्शन नंबर सी आपका कैसा है करेक्ट है ऑलवेज कैसा रहेगा नेगेटिव रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो ये क्वेश्चन आपको ट्रिक अगर आप इस क्वेश्चन को अगर देखते ही करना चाहते हैं बिना कॉपी से पेन उठाए तो इसके लिए आपको मेरे लेक्चर देखने पड़ेंगे तभी हम इन क्वेश्चन को फटाफट कर पाएंगे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के ठीक है इस क्वेश्चन लगेगी ट्रिक ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा था ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल टू 2 ठीक है और आपको दे रखा था ए बी सी इक्वल टू 6 तो आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है डिटरमिनेंट दे रखा सॉरी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब तो इसकी वैल्यू पूछी क्या होगी तो देखिए इसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है वो होती है ए बी सी
ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। अगर आप लोगों ने मेरी डिटरमिनेंट की वैल्यू देख, क्योंकि वहाँ मैंने से बता भी रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू कितनी यहाँ पर 6, और ऊपर वाले इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी रखी है आपको 2, 6 × 2 = 12। पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, देखते ही आंसर बता देते, बी ऑप्शन 12 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन भाई है, अगर आपने 10th क्लास में चैप्टर पढ़े होंगे अपने पॉलीनोमियल वाले, बहुपद, और उसके बाद एक अगला चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप आराम से कर सकते हैं इसे। क्या क्वेश्चन है, पहले तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट दे रखा है ए बी सी, बी सी ए। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान रखना बच्चों, साइड सी का चल रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ए बी, ए बी डी की जो आंसर की आपको मिलेगी वो कल शाम तक आपको क्वेश्चन वाइज पूरा वीडियो नहीं बनाना, वहाँ पर आपको पोस्ट कर दी जाएगी किस किसके क्या आंसर है, क्या क्या आंसर करेक्ट है। और आप लोग भी हमें क्या कर सकते हैं, अपने अपने जिसके मेरे पास सी सेट है, जिसके पास ए सेट हो, किसी के पास डी है, किसी के पास बी है, वो हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारे अवार्ड में दे रखा है चैनल के अवार्ड में, वहाँ से आप जाकर उस पेपर को क्या कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास केवल ये सी सेट ही मिल पाया है, वो भी बड़ी मुश्किल से मिला है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्या रहने वाला क्वेश्चन। देखो इसकी जो वैल्यू होती है डायरेक्ट, वो होती है आपका माइनस का ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC, ये होती है इसकी वैल्यू। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन प्रतिबंधों के अधीन सारणिक शून्य होता है, तो तीन प्रतिबंध दे रखे हैं आपको। पहला प्रतिबंध है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, दूसरा प्रतिबंध है आपके पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC, और तीसरा प्रतिबंध है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तीन प्रतिबंध दे रखे हैं आपको, ये किन तीन प्रतिबंध के संबंध में इसकी वैल्यू शून्य होती है। तो आपको पता होगा, आपने अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल टू, ये फॉर्मूला और होता है जो होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, छोटे क्लास में हमने पढ़ रखा होगा। तो देखो पहले आपसे बात बोला, यदि ए पहली बात कह रहा है ए बी पी सी ए प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो, अगर ए प्लस बी प्लस इक्वल टू जीरो कर दें तो क्या होगी, ए भी जीरो हो जाएगा, जीरो की मल्टीप्लाई किसी जीरो से, सब जीरो, यानी इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी जीरो। जब ये जीरो होगा तो ये पार्ट भी जीरो हो जाएगा, क्यों जो यहाँ लिखा है वही तो यहाँ लिखा है। और माइनस का जीरो क्या होता है, जीरो ही होता है, माइनस का जीरो जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो पहला बात आपका सही है कि पहला पार्ट अगर जीरो होता है तो पूरा इक्वेशन जीरो हो जाएगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3ABC हो जाए, ये भी बात सही है। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3ABC, आप यहाँ पर ही ए प्लस बी प्लस सी बराबर 3ABC रख दो तो अपने आप जीरो हो जाएगा जी, आगे आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेकंड पार्ट भी आपका सही है। अगला कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो जाए बाद वाला तो भी ये जीरो हो जाएगा, इसके बराबर जीरो हो जाएगा, जब जीरो उठाकर पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो यानी कि तीनों के तीनों पार्ट सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है 1, 2 और 3। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। तो आपसे कह रहा है दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, तीन मैट्रिक्स हैं, ए बराबर दे रखा है एम एन, बी बराबर दे रखा है आपको माइनस का एन माइनस का एम, और सी बराबर दे रखा है एम माइनस का एम। ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या कह रहा है आपसे, पहला ऑप्शन आपको दिया है, विचार करना है आपको सी ए इक्वल टू सी बी। तो भाई आप देख लो इनका ऑर्डर मैच हो रहा है, सी की मल्टीप्लाई सी बी से करा सकते हैं आप। देखो इसका ऑर्डर कितना है, 2 रो ठीक है 1 कॉलम, इसका कितना है 1 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका बाद वाला आपस में क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए। सी बाई ये पूछा है इनने, तो क्या मैच कर रहा है, देखो नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब इसका क्या होगा, सी ए तो पॉसिबल ही नहीं है। जब सी ए पॉसिबल नहीं तो सी बी का भी वही हाल है। ठीक है, सी बी सी बात पहले और बी बाद में, इस तरीके से लग देंगे इसे। जैसे मान लो सी ए पूछा आपसे, तो सी ए बराबर सी कितना है एम माइनस एम नहीं होगा, एम ही है, चलो अगला देखो एम कॉमा एन। ठीक है, तो इसका आपका जो था 2,1, इसका कितना था 1,2। ठीक है, तो देखो इसका मैच ही नहीं कर पा रहा है, आप इसका मल्टीप्लाई ही नहीं करा सकते, इसको उठा के आप इसमें रखेंगे जाएगा ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई पहले पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा ही इक्वल ही नहीं है, मल्टीप्लाई संभव नहीं, तो आगे इक्वल ही नहीं होगा कुछ। अगला देखो ए इक्वल टू सी, ठीक है, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी की और बी सी की बात करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए सी और बी सी का मल्टीप्लाई जब आप कराएंगे तो आपको मिलेगा एम स्क्वायर माइनस एम ए। ठीक है, ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, इसमें केवल एक ही एलिमेंट होता है। अगला बात करते हैं इसकी, अगला देखो
अब फिर कह रहा है बीसी, जब बीसी की मल्टीप्लाई कराएंगे फिर से आपको ये मिल जाएगा माइनस का एम एन और प्लस का एम स्क्वायर, ये मिलेगा। तो ये क्या आपस में इक्वल है, ठीक है। उससे आगे पीछे आप लिख सकते हैं, वो एक ही एलिमेंट है, कैसे भी लिख दो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बी वाला आपका ऑप्शन करेक्ट, यानी सेकंड वाला पॉइंट आपका करेक्ट है। थर्ड सी वाला देखो, तो फिर क्या कह रहा है, सी ए सी बी फिर आ गया, सी ए सी बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं, तो इक्वल टू कैसे होगा किसी का, तो थर्ड वाला वैसे कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो एक केवल वन, ओनली वन वाला आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अगर आपने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है या डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की जो भी आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, तो ये क्वेश्चन केवल एक मिनट का है, एक मिनट भी नहीं लगेगा। अगर प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा ये, तो मैं केवल प्रॉपर्टी पर ही कराऊंगा। 2 sin थीटा cos थीटा 0 माइनस का 2 cos थीटा sin थीटा 0 माइनस का 1 1 और 1। तो आपसे पूछा है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू है, तो ये आप जानते हैं प्रॉपर्टी से क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, प्रॉपर्टी होती है, आप सबने पढ़ रखा होगा ये। तो आप एक का डिटर्मिनेंट लगा लेंगे, तो डिटर्मिनेंट लगा लेंगे इसका, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 2। कैलकुलेट कर लेना, निकल आएगा आपसे, यहाँ से ओपन करना वन से नीचे की तरफ से, ऊपर के जो एलिमेंट 0 है यहाँ से आराम से एक बार ओपन हो जाएगा। और आई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, आई को आई लिख के इन्हें रिप्रेजेंट करा, तो आई लिखो, आई की वैल्यू वैसे 1 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अगला देखो, कह रहा है के किस मान के लिए आभ्यू अभिक्रमणीय होगा, यानी दे रखा है फॉर वेव बॉड वैल्यू के इज दी मैट्रिक्स सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए पूछ रहा है। तो सिंगुलर की कंडीशन आप जानते हैं मॉड ऑफ ए क्या होता है, मॉड या डिटरमिनेंट ऑफ ए भी पढ़ सकते हैं आपसे, क्या होता है 0, तो 2 cos 2 थीटा 1 - 2 sin² थीटा, इधर दे रखा है के, ऊपर दे रखा है आपको 2 cos 2 थीटा 2 cos² थीटा माइनस 1/2k 631, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आगे देखिए करना है आप लोगों को, सॉल्व करना है। इससे पहले थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है हमें। 2 cos डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले सॉल्व करना। इसे क्या बनेगा, cos 2 थीटा 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा भी होता है, 2 cos 2 थीटा ये कितना हो जाएगा, ये भी cos 2 थीटा हो जाएगा, 2 cos² थीटा माइनस 1 6 3 k 2 k प्लस 1, ये क्वेश्चन चल रहा था हमारे पास। तो हम इसमें क्या करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दें सेकंड रो को, 2 से मल्टीप्लाई करा के 1 से माइनस करा दें, तो फर्स्ट रो पूरी 0 बन जाएगी। और आप लोग जानते हैं अगर किसी भी मैट्रिक्स की या कोई भी डिटर्मिनेंट है आपका, हाँ, तो मैट्रिक्स के लिए आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप निकालनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, तो ये 0 हो जाएगी। और किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर एक रो 0 होती है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यानी के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, डिटरमिनेंट तो अपने आप 0 हो जा रहा है, के की जरूरत ही नहीं है 0 करने की, के की वैल्यू में निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, डिटरमिनेंट तो अपने आप इन 2 से 0 हो जा रहा है, के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट है, ओनली एनी रियल वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि मान लीजिए ए एक व्युत्क्रमणीय आभ्यूह है और बी बराबर एडजॉइंट ए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, ठीक है। तो पहला आपको ए बी इक्वल टू बी है, तो देखो अभी आपको कंडीशन बताई मैंने, ए इंटू एड जॉइंट ए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या आई, और ये बराबर होता है किसके, एड जॉइंट ए इंटू ए, ठीक है। आप पलट के भी लिख सकते हैं, चाहे पहले और आगे पीछे भी कर सकते हैं। और आपको एड जॉइंट ए कितना दे रखा है, बी, तो ये बी ओ ए हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया, ए बी हो गया, ये तो प्रॉपर्टी से जानते हैं। तो पहला पार्ट आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला वाला कह रहा है ए एक अदिश आभ्यूह है, आदेश आभ्यूह का मतलब क्या होता है, ऐसा आभ्यूह जिसका जो आप क्या बोल सकते हैं उसे, एक ऐसा आभ्यूह जिसके आपका जो आदेश आभ्यूह जिसके जो मेन डायगोनल के सारे, लीडिंग डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हो सकता है अगर मान लो ए आपका क्या हो जाए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ए की वैल्यू आपकी क्या कहेंगे इसको, हाँ ये आपका आई यहाँ पर लगा हुआ है, अगर मान लो ए की वैल्यू बन आ गई बाई चांस, ए की वैल्यू अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए बन आ गया, तो आई क्या होता है, एक क्या होता है, एक तरीके का आदेश आभ्यूह होता है, आदेश आभ्यूह आप बोल सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन आपको दे रखा है लेट बी, लेट ए बी एस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड बी एडजॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो वही स्टेटमेंट आपको आप लोग देख सकते हैं अपने पेपर से। तो यानी इसका सेकंड वाला भी हो सकता है, और कह रहा है ए बी एक शून्य आभ्यूह हो सकता है, तो देखो आपको एक कंडीशन मैंने बता दी, शून्य आभ्यूह क्या होगा, अगर ये व्युत्क्रमणीय यानी इसका इनवर्स निकल रहा है, तो इसका क्या होगा, डिटरमिनेंट कभी जीरो तो होगा नहीं, और डिटरमिनेंट किसका जीरो होता है, जो शून्य आभ्यूह होता है, शून्य आभ्यूह के लिए डिटरमिनेंट होना जीरो, डिटरमिनेंट जीरो होना जरूरी है। तो जब व्युत्क्रमणीय तो डिटरमिनेंट का बात का जीरो होगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या करेगा,
मैच नहीं करेगा, यानी थर्ड वाला रहूँगा। इसमें आपके जो ऑप्शन जो आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड, बी ऑप्शन करेक्ट है, ओनली वन और टू स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह ए और बी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यदि ए बी एक शून्य आव्यूह है तो ए और बी में से कम कोई एक शून्य आव्यूह है। यदि ए बी तत्समक आव्यूह तो ए बी ए बराबर ए बी। ठीक है, अगला बात करते हैं, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं ओनली वन ओनली टू वन एंड टू ना तो वन ना ही टू। इसमें आपको पढ़ देता हूँ, आपको एक समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड बी ऑफ सेम ऑर्डर। तो इफ ए आर नल मैट्रिक्स देन एट लीस्ट ऑफ वन एंड वन ऑफ ए एंड बी इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन बी ए इक्वल टू ए। ठीक है, तो देखो पहली कंडीशन में आपसे कह रहा है ए बी क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो उसके नल होने की एक कंडीशन रही होगी ए और बी में से कोई ना कोई एक नल रहा होगा, तभी वो क्या बना होगा, नल यानी शून्य आव्यूह बना होगा। तो पहला बात बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और कह रहा है ए बी क्या है, तत्समक यानी यूनिट मैट्रिक्स है आपके, तो यूनिट मैट्रिक्स आप जानते हैं। कह रहा है ऊपर भी आपसे बोल दिया ऑर्डर कैसा है इनका, समान है, तो ऑर्डर समान है, आप यूनिट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे, जब दो समान ऑर्डर के यूनिट मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कराते हैं क्या सेम वही यूनिट मैट्रिक्स मिल जाता है फिर को। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आई स्क्वायर बराबर आई होता है, आई क्यूब बराबर भी क्या मिलेगा, आई मिलेगा। तो ये बात भी सही, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है, वन ओनली वन और सॉरी वन और टू। ठीक है, बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसका मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता सकता हूँ, चलो कर लेते हैं। कह रहा है ए कोटी थ्री का एक तत्त्वमक यानी यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर थ्री का, तो मान लो कुछ ए बराबर जे रहा होगा, ए बराबर वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ये रहा होगा। ठीक है, ए बराबर, और कह रहा है बी इसका परिवर्तन, तो बी निकाल लो ए का डैश क्या होता है, ए का डैश रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, फिर से ही मिल जाएगा वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये मिल गया। अब आपसे पूछा सी बराबर, सी की वैल्यू पूछी, सी बराबर ए प्लस बी का साढ़े का मान पूछा इससे। ठीक है, साढ़े कौन लगा देना साथ में, तो जब इसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसी से ओपन कर लो यहाँ से, टू इंटू फोर कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू एट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, तो नेक्स्ट वाले को थोड़ा सॉल्व कराने में टाइम लगेगा, इसके लिए आपको इसका सीधे ऑप्शन बता दे रहा हूँ, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन है मान लीजिए ए और बी दो समान कोटि के मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रम में आप इस प्रकार है कि ए बी बराबर है बी ए बराबर बी, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, वन एंड टू। ठीक है, अगले की बात करते हैं, कह रहा है वन प्लस टू अपॉन एक्स की पावर नाइन इंटू वन माइनस टू अपॉन एक्स की पावर नाइन के प्रसार में कितने पद हैं। तो कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स इन देयर एक्सपेंशन ऑफ, तो इसका एक्सपेंशन आपको बताना है कितने टर्म है इसके एक्सपेंशन में, तो इसे क्या लिखेंगे आप, वन देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, फोर अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और पावर से वो इफेक्ट नहीं, पावर 99 रहेगी। अब आप जानते हैं किसी की जितनी पावर होती है, किसी भी बाइनोमियल इक्वेशन आप लोगों ने सामने पढ़ रखी है, जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा क्या होते हैं उसमें टर्म होते हैं, यानी n प्लस वन तो होते हैं टर्म का नंबर, तो कितना जाएगा, नौ और एक दस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिर्फ करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है x प्लस वाई की पावर 10, ये ओरल वाले क्वेश्चन है, आप देखिए x प्लस 10 के प्रसार में के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पदों के सभी गुणांकों में से छठे पद का गुणांक अधिकतम होता है, तो आप जानते हैं इसमें कितने पद होंगे, 11 पद होंगे, और मिडिल टर्म जो होता है ऐसी कंडीशन में मिडिल टर्म का गुणांक क्या होता है, अधिकतम मान होता है उसका, यानी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और अगला कह रहा है कि तीसरे पद का गुणांक नौवें पद के गुणांक के बराबर है, तो इसमें 11 पद हैं, आप जानते हैं कि पहले पद का गुणांक 11वें पद के बराबर होगा, दूसरे पद का गुणांक 10वें पद के बराबर होगा, तीसरे पद का गुणांक 9वें पद के बराबर, चौथे का 8वें के, इस तरीके से चलते रहेगा। तो ये बात भी इसकी सत्य है, ओरल वाले क्वेश्चन है आपके, यानी दूसरा वाला पार्ट आपका करेक्ट है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका, वन एंड टू। ठीक है, अगले की बात करते हैं, अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है 3nc2n = 3nc2n-7, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो आपसे पूछा है वैल्यू बतानी है आपको nc n-5 कितना होगा। ठीक है, तो इसको एक ले लेते हैं, कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3n-2n = 2n-7, ऐसे तो करते हैं 3n में से माइनस 2n कर दो, जब ऊपर की क्या हो सेम हो, ऊपर के पापा चाहिए, तो यहाँ पर कितना बचेगा,
एन इक्वल टू टू एन माइनस सेवन, तो सेवन इधर आ जाएगा और एन उधर चला जाएगा माइनस का, तो एन इक्वल टू सेवन, तो पुट कर दोगे सेवन सी यहाँ रखेंगे तो कितना बचेगा टू, तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे आगे सेवन इंटू फैक्टोरियल सेवन इंटू फैक्टोरियल टू इंटू फैक्टोरियल फाइव, सेवन में से टू जाएगा फाइव बचेगा, आगे और सॉल्व करेंगे तो सेवन इंटू सिक्स फैक्टोरियल फाइव खत्म, नीचे टू, टू से काटेंगे थ्री बचेगा, सेवन इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है देखने में लेकिन टफ नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूँ 51 सी 21 माइनस 52 सॉरी 51 सी 22 प्लस 51 सी 23 माइनस 51 सी 24 प्लस 51 सी 25 माइनस 51 सी 26 प्लस 51 सी 27, ठीक है, माइनस कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं हुआ है, 24 25 21 22 23 24 25 26 27 हो गया, 28 आएगा, 50 सी 28 50 सी 1 50 सी 29 माइनस 51 सी 30, ये है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। अब आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 50 सी 21 को आप लोग लिख सकते हैं 51 सी 51 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा 51 अपॉन 51 सी 30 हो जाएगा प्लस का। अब देखिए यहाँ से 51 सी 30 प्लस का या 51 सी 30 किसका होगा, माइनस का, कैंसिल कर देगा इसे, ऐसे से आप जब चेंज करेंगे तो आपको 29 मिल जाएगा, ये ऐसे कैंसिल कर देगा, ये वाला पार्ट इसे कैंसिल कर देगा, ये वाला इसे कैंसिल कर देगा, ये ऐसे कैंसिल कर देगा, आपस में बचेगा आपका ऑप्शन जीरो, लेकिन ऑप्शन जीरो तो है ही नहीं, है कि नहीं पर नहीं दिख रहा, लेकिन आप थोड़ा अगर दिमाग लगाएं ऑप्शन सी की तरफ पहुँचें, ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है उस पर देखें जरा, तो 51 सी 51 ये तो इसका मतलब, और अगले का माइनस 51 सी 0, तो इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, क्योंकि इस ऑप्शन की वैल्यू 1 है और इसको जो आपको दे रखा है इसकी वैल्यू 1 है, इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे बात करते हैं आपसे 300 और 400 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके जिनका कोई भी अंक पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, ठीक है, तो किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, कितनी संख्याएं हैं ऐसी, आइए करते हैं, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब आपको पता है थ्री डिजिट का नंबर है आपके पास 300 और 400 के बीच, 300 और 400 की बात करनी है, तो देखो 300 तो फिक्स हो गया क्योंकि 400 आपको पता है कैसा है, इवन है ऑड है, इवन है, अब हमें ऑड नंबर निकालने हैं जिसमें भी किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ पर कैसे होने चाहिए, सभी के सभी ऑड होने चाहिए, तो ऑड के लिए देखो यहाँ पर क्या सकता है, देखो तीन आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ तीन लोगों तो रिपीटेशन हो जाएगा, तो ऐसा तो तीन तो आएगा नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा वन आ सकता है, फाइव सेवन नाइन, इन चार में से कोई भी आ सकता है, ठीक है भाई, चारों में से कोई सा भी आ सकता है यहाँ पर। अब देखो एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, टोटल नंबर थे तुम्हारे पास 10, जीरो से लेकर नाइन तक 10 नंबर थे, यहाँ से 10 में से कोई सा भी आ सकता, लेकिन एक यहाँ फिक्स हो गया, एक यहाँ फिक्स हो गया, तो जो यहाँ और फिक्स होगा उनमें से कोई तो नंबर आएगा नहीं, टोटल नंबर कितने बचे 8, तो बचे हुए 8 नंबर में से, यानी कि तुम्हारा मान लो यहाँ पर 4 5 आ गया और यहाँ 3 आ गया, तो 5 और 3 को छोड़ के बचे हुए 8 में से कोई सा भी यहाँ पर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 2 3 6 7 आ सकता है, ठीक है, तो इनके हम करा देंगे मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही बात करें इसकी क्वेश्चन नंबर 31 की, तो इसका आपको क्वेश्चन दे रखा है 31 वन अपॉन वन प्लस आई का आपसे पूरा पूछा है कोणांक क्या हो, कोणांक होता है आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट इसका डी ऑप्शन होगा 3π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 की, तो इसका मापांक पूछा है, तो इसका मापांक आप निकाल लेंगे पहले तो, ठीक है, उसकी पावर बाद में कितनी कर देंगे 200 कर देंगे, तो मापांक आप लोग निकाल सकते हैं आराम से, कितना होता है मापांक बराबर मॉड जेड बराबर कितना होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले थोड़ा कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, 32 नंबर क्वेश्चन है आपको दे रखा है, माइनस का अंडर रूट 3/2 माइनस का 1/2 की पावर 200, तो इसे कैसे लिखेंगे आप, माइनस का 1/2 पहले लिख लें और प्लस का अंडर रूट 3, माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन 2, ठीक है, तो पहला वाला एक्स दूसरा वाला वाई, सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4, अंडर रूट 3 का 3/4,
ये आ जाएगा एलसीएम, ऊपर कितना हो जाएगा 4/4 का अंडर रूट, कितना बचेगा 1 का अंडर रूट, 1 का अंडर रूट कितना था 1, और 1 की पावर अगर 200 है, 1 की पावर कितनी भी हो आंसर कितना आएगा हमेशा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहाँ एन ग्रेट, पहला कथन है आपको फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 3, कह रहा है 6 से डिविजिबल यानी 6 से भाज्य है, तो कैसे भाज्य होगा 6 से भाई, तो उसके बाद एक कंडीशन भी दी एन ग्रेटर देन 3, तो एन ग्रेटर देन 3 4 पर ही देख लो फैक्टोरियल 4 ले लिया तुमने, यहाँ पर फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 कितना बचेगा 4, क्या 4 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा ना, देख रहा आपको नहीं कट रहा 6 से, तो क्या हो जाएगा पहला वाला स्टेटमेंट गलत। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 3+3 कह रहा है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर भी देख के आपको एन ग्रेटर देन 3, तो वही रखो 3 जरा, 3 से ग्रेटर देन 4 ले लो, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3+3 तो कितना बचेगा 4+3 कितना आ गया 7, 7 तो 7 से डिविजिबल है, लेकिन एक बात और एक ऑप्शन और एक्स्ट्रा बढ़ा के जरा चेक कर लेना, पता चले अगला ना लिख ले, अगला 4 रखा 5 रख के देख लो, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3+3 तो कितना बचेगा 4×5×4+3 कितना आ जाएगा 20+3 कितना आ गया 23, क्या 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ना तो 1 और ना 2 यानी नाइदर 1 और नॉट 2। ठीक है, अगला आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन है, इसे रफ करते हैं। कह रहा है x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n के प्रसार में अंत पद से n प्लस 1 वा पद होगा, यानी अंत से पूछ रहा है r वा पद क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको दे रहा है, इन दी एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x की पावर 2n व्हाट इज दी n प्लस 1 टर्म फ्रॉम दी एंड व्हेन अरेंज दी डायमेंशन पावर ऑफ, चलो करते हैं क्या है लिखा है, तो आपको पता है अंश आर में टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 अंश से आर में टर्म का फॉर्मूला होता है टी आर प्लस 1, क्वेश्चन नंबर 35 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n, ये दे रखा है फॉर्मूला होता है एन सी आर और x की पावर n माइनस आर बाई की पावर आर, ये फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, तो पुट कर देंगे करके पहला x से दूसरा बाई मान लो। ठीक है, तो आपसे पूछा कौन से टर्म का n प्लस 1 बाबत का अंत से, तो r बराबर कितना हो गया यहाँ से n, तो टी एन प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर कितना है 2n है, तो सब काम कहाँ से चलेगा 2n से चलेगा, तो 2n सी n। ठीक है, अगला n की पावर x की पावर n माइनस आर, तो n माइनस आर कितना हमारा यहाँ पर n माइनस आर, यानी n आपका कितना हो जाएगा ऊपर 2n है, तो यहाँ पर भी 2n माइनस n और बाई की पावर आर यानी बाई की पावर n, ये हो जाएगा बाई है आपका कितना यहाँ पर 1 अपॉन x की पावर n, सॉल्व करेंगे यहाँ से तो 2n सी n, तो यहाँ कितना बचेगा ऊपर x की पावर n इंटू 1 अपॉन x की पावर n, इससे कैंसिल हो जाएगा और इसे आप लिख सकते हैं सी 2n कॉमा n, ये हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर आपका, देखिए कौन सा वाला ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इस क्वेश्चन में। अगला कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी एपी के प्रथम 9 पदों का योगफल इसके प्रथम 11 पदों के योगफल के बराबर है तो इसके प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सॉल्यूशन मैं आपको उसके बाद में करा दूंगा, चाहे आप देख सकते हैं छोटा ज़्यादा टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर डी इसका 0 आएगा आंसर। ऐसे इसका जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन है आपके पास यदि समांतर श्रेणी एपी का 5वां पद 1/10 था, इसका 10वां पद 1/5 है तो इसके प्रथम 50 पदों का योगफल होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 25.5। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ दी फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 1/10 एंड इट्स 10th टर्म इज 1/5 देन व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन 25.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, ये दे रखा है 88 का जो डेसिमल और आपका बाइनरी में आ गया, तो आपको डेसिमल पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बाइनरी में तो डायरेक्ट भाग होती नहीं है, आपको पहले डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर बाइनरी निकालनी पड़ेगी, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपको दे रखा है 110011। ठीक है, जब इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी वैल्यू जो निकल कर आएगी, मैंने निकाली थी ये लगभग आई थी आपकी 31115। अगला जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं 10111, ये आई थी आपकी 23, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, और 5 को जब आप फिर से कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 101/12। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऐसे आपका 39 वाला भी होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होने वाला है, ये भी बाइनरी और डेसिमल का क्वेश्चन है,
ठीक है। तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे पहले सबको डेसिमल में, फिर जाके सॉल्व करेंगे, फिर जाके फिर बाइनरी में आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसका जो आपका क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 39, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100 10111 का होल ट्वाइस, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। जो इसका आंसर है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1001 का होल ट्वाइस, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए। 41 में कह रहा है आपका कि फलन y इक्वल टू, ये आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x के संबंध में x बिलोंग टू माइनस का 1, 1 निम्न कदमों पर विचार कीजिए, जहां पर आपका दे रखा है महत्वपूर्ण पूर्णांक हमें पता है, वो समझ गए हम देखते ही। अगला बात कह रहा है x इक्वल टू 0.5 पर इसका अवकलन 0 है, यानी कि यहां पर कह रहा है इट्स डेरिवेटिव इज 0 एट x इक्वल टू 0.5। तो आपको पता है 0.5 पर ये वैल्यू कितनी देगा, हाइएस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो आपको पता है किसी भी ये पॉइंट वाली वैल्यू पर 0.5, 0.6, 0.7 पर कितनी वैल्यू देगा, हमेशा 0 वैल्यू देगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात कर रहा है ये 0.5 पर सतत, यानी इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0, और इधर दे रखा है 0.5। देखो यहाँ पर हो गया आपका भेदभाव, अगर 0 की बात करेगा तो 0 पर तो भाई डिसकॉन्टिन्यूस है, इंग्लिश में दे रखा है 0, हिंदी में दे रखा है 0.5। अगर 0.5 की बात कर रहा है हिंदी वाले प्रश्न की बात के हिसाब से अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, फर्स्ट और सेकंड। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ऑप्शन नंबर ओनली 1 वाला करेक्ट है, 0 पर ही डिसकॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होती है, जंप पॉइंट डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, इस वजह से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पॉइंट होता है वो उठ के ऊपर चला जाता है, इस वजह से क्या हो जाता है डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो UPSC होती है वैसे हिंदी वाले को ज़्यादा करेक्ट बरीदा दी जाती है इस एग्जाम में। तो अभी इस पार्ट के इसका भी मैं थोड़ी देर में नेक्स्ट पार्ट अपलोड करने वाला हूँ, तब तक लगे रहें, बने रहें हमारे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।